हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तौफिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तौफिक किराना बिजनेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नई शॉप खोलने में आपको कितना खर्चा आता है, क्या क्या चीज़ होती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको नई शॉप डालना है तो उसमें कितना आपको अमाउंट का खर्चा आएगा। तो दोस्तों, आज आप कोई भी एक मीडियम क्लास की दुकान डालते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया हूँ मेरी दुकान कितनी बड़ी है, अगर आप इतनी बड़ी दुकान डालते हैं तो कम से कम आपको इतनी बड़ी दुकान डालने में 3 लाख का मोटा मोटा खर्चा आएगा। अब आप कहेंगे 3 लाख बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो दोस्तों इसमें आपका फर्नीचर भी इंक्लूडेड है। अब जैसे फर्नीचर आप देख रहे हैं मेरे पास जो लगा हुआ है, ये फर्नीचर समथिंग 50,000 का पहुँच जाता है फर्नीचर। जैसे रैक आएगा, इसमें काउंटर आता है, फिर इसके बाद आपको लगेगा डीप फ्रीजर लगेगा, जिसमें आप दूध, दही, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा, ये सब आइटम, फ्रोजन के आइटम आते हैं, ये सब आइटम आप रख सकते हैं। फिर आपको एक मशीन लगेगी वज़न नापने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मोटा माटी आपको 3 लाख का खर्चा कम से कम लगना है इसमें। उसके बाद आप, जैसे अभी चल रहा है बरसात का मौसम, ठंड का मौसम आने वाला है, तो आप उस समय के हिसाब से खरीदी करें। अगर गर्मी का सीज़न आने वाला है तो आप कोल्ड ड्रिंक रखिए, तो थोड़ा आपको पैसे वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक में अच्छा खासा मार्जिन होता है, आइसक्रीम में अच्छा खासा मार्जिन होता है, वो पैसा आपका भी बचेगा, तो आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए। ये जो टाइम होता है समय बिस्किट, वेफर्स और अपना चॉकलेट वगैरह, ये सब आइटम बहुत ज़्यादा बिकते हैं, बेकरी आइटम। गर्मी में इन सब चीज़ों की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, तो आप इसमें पैसा लगाइए, आपको अच्छा मार्जिन दिखे जाएगी। अगर हम इसी में मार्जिन की बात कर ले तो मिनिमम 5 से 25% तक की का मार्जिन किराना में होता है, जो कि काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है। आप इतनी बड़ी दुकान डालेंगे तो सभी चीज़ वैरायटी मेंटेन करेंगे तो आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। दूसरा दोस्तों हमारा आता है माइंडसेट। बहुत से लोग अपना माइंडसेट नहीं करते, सिर्फ टाइम पास के लिए खोल लेते दुकान। तो दोस्तों टाइम पास के लिए बिल्कुल ना खोले दुकान। दुकान खोल रहे हैं तो अपना फ्यूचर देखते हुए खोले कि हमें इसमें कुछ ग्रो करना है, अपने आप को बढ़ाना है इसमें। बहुत से लोग 6 महीने साल भर में दुकान चलाते हो बंद कर देते, बोलते यार नहीं यार हमारे बस की नहीं है, इसमें तो प्रॉफिट नहीं हो रहा। भाई प्रॉफिट क्यों नहीं होगा, आप कोई भी काम कीजिए, आप दिल से काम कीजिए, मेहनत करेंगे तो प्रॉफिट क्यों नहीं होगा उसमें। जो 6 महीने बंद कर देते हैं, मैं तो साफ कहता हूँ कि वो बिल्कुल दिल से काम नहीं करते, सिर्फ टाइम पास के लिए खोल लेते हैं कि हमको बस दिखाना है कि हमने ये काम भी करा, वो काम भी करा, उनका बिल्कुल माइंड सेट नहीं होता है, तो इसलिए उनकी दुकान चल भी नहीं पाती है। सबसे पहले आप अपना माइंड सेट करें कि हमको दुकान चलाना है। कोई भी बिजनेस करें आप, पहले माइंड सेट कर लें कि हमको ये करना है, मतलब करना है कुछ भी हो जाए। फिर दोस्तों आता है हमारा लुक। आज जैसे कि आप देखते हैं कि लोगों को दुकान के अंदर घुस के माल निकालना में मज़ा आता है, जैसे हम मॉलों में देखते हैं कि इंसान अपने दुकान के अंदर जा रहा है, अपने हिसाब से माल चूज़ कर रहा है, वैरायटी निकाल रहा है, आइटम निकाल रहा है। तो अपनी दुकान का लुक कुछ इस टाइप से रखें कि उसे मिनी मॉल टाइप की फीलिंग आए, कि वो अपना घुस अंदर आ गया और सामान परचेस कर रहा है। तो ऐसा लुक रखें, मतलब आज के टाइम को देखते हुए अपना दुकान का लुक रखें आप, क्योंकि लुक से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लुक आपकी दुकान का बढ़िया रहेगा तो सामने वाला अट्रैक्ट होगा आपकी शॉप की तरफ कि नहीं यार वो दुकान में कुछ खास दिख रहा है। तो लुक पे खास ध्यान रखें आप। तो जब भी आप अपनी दुकान की ओपनिंग करें तो आप जहाँ से भी हो, आपकी दुकान जहाँ पर भी हो, गाँव में हो, बस्ती में हो, कॉलोनी में हो, उस जगह पर सभी लोगों को इन्वाइट करें दुकान पर, क्योंकि क्या होगा, जितनी आपकी पब्लिसिटी होगी दुकान की उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। आप सभी लोग को इनवाइट करें, सभी को बुलाएं अपनी शॉप पे, कुछ नाश्ता रख लें, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 2-4-5 लाख खर्चा आएगा नाश्ते पानी में, कार्ड वगैरह वगैरह में, लेकिन उससे आपका एक दुकान का प्रमोशन अच्छा खासा होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जब भी आप दुकान ओपन करें तो अपने आसपास के सभी लोगों को इन्वाइट करें, दुकान में आने के लिए कहें। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ खास पॉइंट्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।